राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन एक पृष्ठ एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप। भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 26 मई का विचार। निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति ही चाहिए। समाज में एक ऐसा भाव पैदा हो गया है जिससे उन्नति नहीं दिखाई देती। जब तक देश में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय चरित्रहीनता है तब तक परिवर्तन कैसे होगा। इसके लिए हम इस पर विचार करें कि चरित्र की नींव क्या है। हम पाठ तो बहुत देते हैं किंतु जब तक प्रेरणा देने वाले मूल निर्जर का पता नहीं लगता तब तक उसकी निर्मिति कैसे होगी। यदि एक बार अधिष्ठान का पता लग जाए तो फिर बाद में जगाना भर रह जाता है। हम लोग कहते हैं कि यदि राष्ट्र की कल्पना स्पष्ट है और हम उसके साथ अपना यह संबंध जानते हैं कि उसकी श्रेष्ठता हमारी श्रेष्ठता है, उसकी भलाई में हमारी भलाई है, इतना तादात्म्य भाव, इतनी एकात्मता, इतनी एकतानता, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न हो तो चरित्र का निर्माण संभव हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने यदि व्यक्तिगत सुख की, निजी बड़प्पन की, स्वार्थ की एक भी बात की हो तो यह विशुद्ध राष्ट्रभक्ति नहीं है। यदि राष्ट्रभक्ति के आधार पर कोई नौकरी या मान सम्मान या व्यापार की प्राप्ति न करे और चाहे यह कहे कि मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ किंतु अपने भाई को, लड़के लड़की या दामाद को, साले को कुछ दिलाने का भाव रखे तो यह राष्ट्रभक्ति नहीं है। यहाँ सत्यनारायण की कथा कहने वाले उन पंडित जी की याद आती है जो अशर्फी चुरा कर चल दिए किंतु सूत लौटाने आधे रास्ते से वापस आए। सूत को लौटा देने की यह नीतिमत्ता आज सर्वत्र है। लड़का, दामाद सबकी सहायता इसी के अंतर्गत आती है। कोई कहेगा कि इन सब का विचार करने की क्या आवश्यकता है। हम कहेंगे कि है, चरित्र का आदर्श ऊंचा ही रखना पड़ता है। आदर्श विशुद्ध हो फिर चाहे उसे कोई पा सके या ना पा सके किंतु आदर्श तो ऊंचा ही हो। इस संबंध में कोई समझौता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत चरित्र की ओर क्यों देखते हो, हम घर में चाहे जैसा रहे मगर बाहर तो अच्छा करते हैं। किंतु भारत में इससे समाधान नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ अंतर बाह्य एवं मानसिक शुद्धता की महत्ता स्वीकार की गई है। ग्रीन नामक एक पाश्चात्य तत्वज्ञ ने सत्य के विषय में लिखते हुए कहा है कि सत्य अच्छा है किंतु अपवाद में कभी कभी असत्य बोलने में कोई हर्ज नहीं। जैसे कोई व्यापारी व्यापार में और वकील वकालत में झूठ बोले तो कोई हर्ज नहीं। भारत का अनपढ़ से अनपढ़ व्यापारी भी झूठ बोलना ठीक नहीं मानेगा। अपने यहाँ का आदर्श है युधिष्ठिर, जिसने केवल एक बार और वह भी श्री कृष्ण के कहने पर पूर्ण मिथ्या नहीं तो अंशतः सत्य कहा, अश्वत्थामा हतः, क्योंकि शस्त्र संन्यास द्वारा सिद्ध हस्त, सिद्ध मंत्र, पराक्रमी, ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज से परिपूर्ण गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करना था। इसलिए उनके पुत्र के मृत्यु का समाचार फैलाया गया। अश्वत्थामा चिरंजीवी था किंतु यह समाचार फैल गया। द्रोणाचार्य ने उसे सुनकर सत्यवादी होने के नाते शत्रु होते हुए भी युधिष्ठिर से जाकर पूछा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके लिए बड़ी कठिनाई से तैयार किया था
और नरोवा कुंजरोवा कहलाकर सत्य बोलने की गुंजाइश दी। अमरत्व के पुजारी हम पुत्र इस धरा के, उज्जवल हमी करेंगे भवितव्य मातृभू के, उज्जवल हमी करेंगे भवितव्य मातृभू के। भारत माता की जय। वंदे मातरम।